हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा आप सबसे कि प्लीज़ बाहर मत निकलिए अगर ज़रूरत ना हो तो, क्योंकि कोविड का केसेस इतना स्पीड से बढ़ रहा है। सो प्लीज़ आप अपने और अपने फैमिली का टेक केयर करें एंड उतना ज़रूरी ना हो तो बाहर मत निकलिए। और जब भी बाहर निकले आप मास्क सैनिटाइजर हमेशा अपने पास में ही रखें। अभी स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज के वीडियो के बारे में आपको वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल गया होगा। यस, आज का वीडियो होने वाला है सनस्क्रीन के ऊपर। आप कैसे सनस्क्रीन डिसाइड करें, कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए सही है, एंड मैं जो सनस्क्रीन यूज करती हूँ उसका भी मैं रिव्यू करूँगी। विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जब भी सनस्क्रीन की बात आता है तो हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स का सनस्क्रीन भी लगाने के बाद थोड़ा सा वाइट कास्ट छोड़ता है, जो कि बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है यूज करना। टू बी वेरी अनेस्ट, इसी की वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता था सनस्क्रीन यूज करना, बट मुझे करना पड़ता था क्योंकि बाहर जाना पड़ता था। लेकिन नाउ डेज मैं एक ऐसा सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड वाइट कास्ट वगैरह बिल्कुल नहीं दे रहा है। मैं जरूर वो सनस्क्रीन बताऊंगी। उससे पहले कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी आप किस टाइप का सनस्क्रीन चूज करें अपने लिए। सबसे पहले गाइस, आप जो भी सनस्क्रीन चूज करें उसमें मिनिमम SPF 30 होना चाहिए एंड वो सिलिकॉन एंड पैराबिन वगैरह फ्री होना चाहिए। नॉट ओनली इन सनस्क्रीन, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करें फेस या स्किन के लिए वो पैराबिन फ्री होना चाहिए गाइस, क्योंकि पैराबिन एक अच्छा केमिकल नहीं है हमारे स्किन के लिए। आप जब भी प्रोडक्ट कोई भी बाय करें वो आप जरूर चेक करें कि वो पैराबिन। यही था गाइस सिंपल सी दो स्टेप्स जिसको आप चेक कर सकते हैं जब भी आप अपने लिए सनस्क्रीन बाय करें। अभी चलते हैं, मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज करती हूँ उसको देखेंगे। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ एंड या फिर आपको सजेस्ट करती हूँ यूज करने के लिए, वो मैं अपने ऊपर यूज करने के बाद ही बताती हूँ। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हाँ मैं कोई प्रोडक्ट ली बिना यूज किए आपको बता रही हूँ या सजेस्ट कर रही हूँ लेने के लिए। तो ये वाला जो सनस्क्रीन है गाइज, मैं सिंस 1 मंथ से इसको यूज कर रही हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे देन आप इसको बाय कर सकते हैं एंड ये कोई भी स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये मेरा खुद का परचेज किया हुआ है। गाइज, ये है मामा अर्थ का अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन विथ कैरेट सीड एंड टर्मरिक। इसमें नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन है। ये विथ SPF 50 एंड PA++ है। इसके बैक साइड आप इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह देख सकते हैं। गाइज, बात अगर करें इसकी प्राइसिंग की तो ये मुझे इसका MRP है 499 का, लेकिन आपको हमेशा इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है, तो आई थिंक मुझे 420 या समथिंग पड़ा था। एंड ये है इसका क्वांटिटी है 80 ग्राम, तो बहुत ही सही है गाइज, 80 ग्राम का सनस्क्रीन आपको 420 रुपीज़ में मिल जा रहा है। एंड ये गाइज ममार्थ का हर प्रोडक्ट्स पैराबिन एंड सिलिकॉन फ्री रहता है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड ये स्पेशली फॉर इंडियन स्किन है, क्योंकि थोड़ा सा इंडियन स्किन जो होता है थिक होता है, तो ये स्पेशली इंडियन स्किन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो अभी मैं इसको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी। इसको लगाने से पहले गाइज आपने फेस को वॉश कर लेना है एंड कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेना है एंड उसके बाद आप ये सनस्क्रीन यूज करेंगे। तो सनस्क्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेके मैं यहाँ पे फेस एंड नेक में अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि नेक भी हमारा सन के एक्सपोज में आता है। मैं नेक एंड फेस में अच्छे से लगा लूँगी एंड उसको अच्छे से मसाज कर लूँगी, 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी एंड उसके बाद ये सनस्क्रीन अपने आप ही सेट हो जाता है। एंड हाँ गाइज, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हम लोग तो बाहर नहीं निकल रहे हैं तो हम क्या सनस्क्रीन यूज करें या नहीं,
तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर मतलब मार्केट वगैरह नहीं जाते हैं, बट स्टिल हमें मतलब हम सन के सामने आ ही जाते हैं कुछ ना कुछ तरीके से, चाहे बालकनी से हो या छत पे जाना हो, किसी ना किसी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं सन के रेप से। तो आपको ज़रूर यूज करना चाहिए सनस्क्रीन एटलीस्ट इन समर, अगर आप घर पे रह रहे हैं, और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर यूज कर सकते हैं। सो गाइज, यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ऑन मामाअर्थ सनस्क्रीन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है एंड अच्छा लगा है, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए मुझे कि आपको और किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना पसंद है। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।